अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होर सुनाओ की हाल चाल है, कैसे हैं? तबीता चेतन है, उम्मीद है तुम सारे दोस्त ठीक ठाक हो गए। अज की जी वीडियो हैगी है, बहुत ही इनफॉर्मेटिव हैगी है, और उस तो अलावा यह वीडियो की इस तो जरूरत पेश आई है। यार बड़ा अफसोस हों जो इस तरह हों, और वीडियो इस तरह है कि तुम अगर जेल पुलिस के जेल के किसी अपने दोस्त नाल मुलाकात करना चाहते जो तो तुम्हारी मुलाकात नहीं होंगी, उसकी बेसिक वजह यह होंगी ना तो तुम्हें प्रॉपर पता होंगे वो ना वलदीयत का, फिर उस अलावा यह भी नहीं पता होंगे हवालाती है, कैदी है या उन सजाए मौत का, किहदा वो कैदी हैगा, किहदा है वो प्रिजनर, किहदा हैगा, तुम्हें कोई पता नहीं होंगे। फिर तुम उत्थे जाके देखते जो हूँ की करना, उस तो अलावा फिर साफ जहर जो तुम मुलाकात करने वास्ते जाना फिर तुहाडे कोल सैलफोन भी नहीं होना कि तुम तो फौरी फौर ती यार फोन करिए क्यों बंदा है की बराड डाटा लीए फिर फोन करिए, फिर बंदा अच्छा भी नहीं लगता कि यार हूँ मैं उन्होंने को किन्ना को पूछा यार। उस टाइम फिर दूसरी जी सब तो वड्डी मसला है कि वो जेल का इलाका होंगे, उसे जैम्पर लगे होंगे, ताकि कॉल भी नहीं होंगी। तो सब तो वड्डा एक होर मसला भी है, तो इस करके वीडियो नूं मुकम्मल देखना है, और अगर तुसी मुलाकात करने जा रहे जो किसी दोस्त की तो वो भला करो, भले तो मरा दे अगर ताड़ी मुलाकात हो जाए ठीक है, उसके नाल भी ताड़ा भी टाइम बच जाए, पैसे भी दा बड़ा ज़ाया होंदा ठीक है। फिर बंदा वापस आता है, फिर उत्थे मैं कई दफ़ा देखा यार फिर तुसी दूसरे इलीगल तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ने। तो सब तो जी जरूरी चीज़ हैगी ते को आई डी कार्ड जरूर होना चाहिए जो तुम किसी की मुलाकात कर जा रहे जो, नंबर एक ऐ नहीं तुसी छड़ के जाना है। अगर अपना नहीं बनया किसी दोस्त किसी वड्डे भरा का लै जाओ, घर चो किसी चीज़ का लै जाओ, किसी का तुहाडे कोल आई डी कार्ड एक अद्धा जरूर होना चाहिए ठीक है। उस तो अलावा तुसी जिन्नू मिलन जा रहे जो जिस दी मुलाकात कर जा रहे जो उस दा तुहानू पता होना चाहिए कि वह कैदी है, हवालाती है, सजाए मौत होया या वह मशक्कती उन्हों कोई पनिशमेंट मिल के कोई एक सख्त साडा जेल के अंदर जिहड़ा एक मशक्कती ब्लाक होंदा है उहदे विच ते नहीं। उस तो बाद ए यार एंड ते असीं ये भी दसांगे कि औरतों की मुलाकात किस तरह करनी है ठीक है, उस इस वीडियो दे विच भी शामिल होएगा। अच्छा जी, उस तो अलावा फिर तुहानू उस दे मुतलका नज़रबंद नहीं उहदियां सारियां कैटागरियां का पता होना चाहिए। बस का इस तरह होंदा है कि कुछ दोस्त ऐसे होंदे पहले हवालाती होंदे ने, कुछ दिनों बाद उन्होंने सज़ा हो जाती है, वो कैदी हो जाते हैं। एक जो तुम मुलाकात कर जाना फिर उस तो अलावा एक तो यह चा इनफॉर्मेशन होनी चाहिए जिन्होंने मिलन चाह रहे जो कैदी किस चीज़ है। दूसरी जड़ी तीसरी जड़ी अहम इनफॉर्मेशन ये आ कि उस तो अलावा तुहानू उन्हां दे दिनों का पता होना चाहिए कि किहड़े दिन उन्हां दी मुलाकात होंदी है। सब तो वड्डा मसला है जी, क्यों? क्योंकि तुहानू पता ही नहीं होंदा कि हर जिहड़ा क्लासी हुण एक ही दिन दे विच, अगर एक दिन है ठीक है, एक दिन के सारे जेल की मुलाकात नहीं होंगी, हफ्ते के 8 दिन 7 दिन 7 दिनों के हर एक दिन अलहदा अलहदा हर एक सारी जेल में तकसीम किया जाता है, उस लिहाज में मुलाकात करवाई जाती है। फिर तुहानू पता होएगा तो तुम एग्जैक्ट दिन जाके ईजीली तुम अपनी मुलाकात कर लेंगे जो ठीक है, ये दिन भी तुम्हें याद होना चाहिए ठीक है। हुण असीं नैक्सट जड़े जड़े चले जाने कि यह तरीकाकार की हैगा कि सारा तुसी मेन गेट ते जाना उत्थे तुहाडा सैलफोन भी लै लैना, तुहाडी को आई डी कार्ड सिर्फ होना चाहिए, और वो चीज़ा जड़ियाँ अंदर जा सकदियां ने वो लोहे वाली नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ ठीक है। प्लास्टिक दा बर्तन चल सकदा, होर लोहे की कोई चीज़ नहीं चल सकती ठीक है। बुक्स लैके जानी है तो मैं तुहानू अगे ते अगे जाके दसना भी अगर तुसी किसी नूं मिलन गए जो तो उहदे वास्ते किहड़ी चीज़ लैके जाओ, ये भी तुहानू दसना वा। उस तो अलावा सारी जी है तुहानू मेन गेट तो तुम अंदर चले जाओ, हो सकता उत्थे तुहाडा मोबाइल जमा हो जाए, तुहाडे उत्थे जिहड़े तुहाडे कोल इनलीगल चीज़ा ने उत्थे जमा हो जाए ठीक है। उस तो बाद शैड जी चले जाते, मुलाकात का शैड लहदा होंदा, उत्थे जाके तुम अपने जिन्हों मिलन जाना उहदा अंदराज दर्ज ना दर्ज करवाना है, ना वलदीयत लाजमी हैगी है, तुहानू पता होना चाहिए। अगर तो उहदे जुर्म का पता है कैदी हवालाती ये भी तुहानू जरूर पता होना चाहिए, उत्थे ना वलदीयत तो हवालाती है कि कैदी है वो तुम दसना, वो एक पर्ची अंदर जानी, अगर जिस दिन उन्होंने मुलाकात होंगी उ एक चक्कर मेन चक्कर होंगे उ चली जाती, उत्थे जाके तो जी है वो पर्ची जी है दसती जाती है कि आ बंदा तुम्हें मिलने वास्ते आया बार, फिर उस बंद भी फिर लैके आना होंगे, ये भी एक बड़ा लंबा प्रोसैस होंगे ठीक है। और उस तो हर इस तो बाद उन्हां कोल फोन ते कॉल वगैरह होई हुंदी है, अंदर बूथ हैगे ने कॉल करन वाला जिहदी मुलाकात हुंदी है, वो ते रैगूलर जिहड़ा बंदा जा रहा अपना साजो समान भी मंगवा रहा, कई बंदे फस्ट टाइम जाते हैं दोस्तों मिलने वास्ते, ये खास तौर पर इनफॉर्मेशन उन्हां वास्ते आ
कि उन्होंने इस तरह जाके वो फिर बुलाना है, फिर उन्हें तुहाडे कोल आना है। उस तो अलावा उन्हों का भी टाइम लगना, तुहानू भी इंतजार करना पेगा। फिर शैड जी तुसी चले जाओगे, फिर तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात हो जाएगी। एक VIP मुलाकात भी होंदी है, ठीक है। ओदा सारा अलहदा निज़ाम हुंदा है। कुछ लड़के, कुछ ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे हुंदे ने, कोई साढ़े ही मिलने वाले भाई हुंदे, ओह कहिंदे यार फेस टू फेस मुलाकात हो जाए। फिर उन्हां दी कोई स्पैशल भी कराउणी पैंदी मुलाकात, अफसरां दी भी इस तरह दा कोई हिसाब है, ठीक है। लेकिन ये जिहड़ा आम बंदा उहदे वास्ते खास तौर पर वीडियो है भी उहदा की हिसाब है, ठीक है। उन्हें इन्नियां चीज़ां लै के जाणियां। हुण उस तों इलावा ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਕ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, FOI ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀ ਅੱਬਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਦਾਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਰ ਪਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੁੱਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸਮਝੇ। ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ ਬਾਜ਼ਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਬੈਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ, ਕਈਆਂ ਦੇ TV ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਬੈਰਕ ਚੈਨਲ TV ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਥਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਥਲੀ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਜੋ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਾਲਾ ਮੰਥਲੀ ਆਇਆ, ਜੰਗੀਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ਼ੋਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਥਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪੰਜੀਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਤੀਏ ਕਹਿਤੀ, ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਰ ਪਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਪਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਾਜਾਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਖੜਨ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।